बेटा आपका नाम क्या है? My name is Chanchal. Okay. तो बेटा आपका जो ये इंग्लिश का पेपर था कैसा था ओवरऑल? ओवरऑल तो इजी पेपर था एज कम्पेयर टू सैंपल पेपर जो बनाए गए थे. और सैंपल पेपर में लैंग्वेज बहुत मुश्किल थी और जैसे स्कूल वाले पेपर्स बनाते हैं उससे तो बहुत इजी. मतलब स्कूल वाले जो पेपर बनाते हैं उससे इजी था? हाँ उससे. ओके okay. अगर ओवरऑल इसको रेट करूँ तो कितना हुआ? ओवरऑल फ्रॉम माई साइड 10 out of 10. मतलब बेस्ट पेपर गया मेरा. अभी तो स्टार्टिंग थी फर्स्ट तो बहुत अच्छा था. ओके थैंक यू. नाम क्या है? निशा सिंह. ओके तो आज का जो आपका इंग्लिश का पेपर था कैसा गया? अच्छा था. अच्छा पेपर था. और जो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए रिलीज किया गया था सीबीएसई की तरफ से उसके कंपैरिजन में क्या ये हार्ड था इजी था या उसी की तरफ पेपर था? इजी था. उससे इजी पेपर था. और जो आपको टाइम अलॉट किया गया था वो टाइम इसके लिए इनफ था या नहीं था? सफिशियंट था. मतलब मेरे को 3 घंटे अगर मिले तो मैं पेपर को अटेम्प्ट कर लूंगा. तो कौन सा सेक्शन इसके अंदर हार्ड आया? रीडिंग सेक्शन था, राइटिंग सेक्शन था या कौन सा लगा आपको? नहीं हार्ड तो कुछ भी नहीं था. ओके था सारा. ओके ओके तो ओवरऑल अगर मैं इस पेपर को रेट करूँ तो कितना बोलोगे यार? इजी, मॉडरेट, हार्ड? इजी. इजी पेपर था. चलिए थैंक यू. आपका नेम क्या है? मेरा नाम सत्यम है. ओके तो सत्यम आपका इंग्लिश का पेपर कैसा आया आज का? मेरा इंग्लिश का पेपर सेट भी था. हाँ. बहुत लेंथी था लेकिन इजी था. इजी पेपर था. इजी. और अगर मैं सैंपल पेपर के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो कैसा था ये? मतलब उसके कंपैरिजन में इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? मॉडरेट था. मॉडरेट दोनों सिमिलर सिमिलर थे. ओके तो ये 30 जो अगर मैं पूरा टाइम की बात करूं इसके लिए तो ये पूरा का पूरा पेपर टाइम फ्रेम के अंदर कम्प्लीट हो गया था? नहीं नहीं लेंथी बहुत था. लेंथी था इंग्लिश में. लेंथी बहुत था. इतना लेंथी था कि ज्यादा लेंथी था. मतलब ज्यादा लेंदी था. और इसके अलावा ये मैं पूछ रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की यार पेपर का अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था? पेपर सारा इजी था लेकिन लेंदी था. ओके थैंक यू.